हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके के जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मांडी हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ से एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर है। ये जो नोटिफिकेशन है वो 30 नवंबर 2023 को रिलीज़ किया गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट किस तरीके का पोस्ट होता है, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या प्रक्रिया रखी जाती है, कितनी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है और कौन से कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है वो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप लोगों तक टाइम पर पहुँचता रहे। तो यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन को न पढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ इस 5 लाइन को समझ लेते हैं। इसी 5 लाइन में इसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर पहली ही लाइन में आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर सुटेबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोजीशन इन ए स्पॉन्सर प्रोजेक्ट फॉर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च बेस। तो यहाँ पर जो इनविटेशन रिलीज़ किया गया है रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर, उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे SERB के नाम से भी जाना जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे DST के अंतर्गत आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन इन द स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग IIT मंडी का एक द्वारा लिया जा रहा है। यहाँ पर जो पोस्ट मांगा जा रहा है वो टेम्परेरी पोस्ट है, जिसमें 3 मंथ के लिए आप लोगों को अपॉइंट किया जाएगा रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वालिफाई किया हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइटल रखा गया है आप लोगों का रिसर्च प्रोजेक्ट का, उसमें 3D प्रिंटिंग ऑन कंटिन्यूस कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर कंपोसाइट्स यूजिंग फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए आप लोगों को वर्क करना है। इसे जो फंडिंग जो आप लोगों को, यानी कि सैलरी जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी या इस रिसर्च पे जो भी खर्चे आएंगे वो SERB DST के द्वारा दिए जाएंगे। जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर आप लोगों के यहाँ पर रहने वाले हैं डॉक्टर प्रतीक सक्सेना रहेंगे। यहाँ पर नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो जूनियर रिसर्च फेलो का रहेगा, जिसमें टोटल 1 पोस्ट पर आप लोगों के लिए एप्लीकेशन रिलीज़ किया गया है। सैलरी जो यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी 31,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। 3 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ तक आप लोगों को यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट पे आप लोगों को वर्क करना है, जिसके लिए आपको 31,000 रुपये पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन किस तरीके से करना है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी एक CV बनानी है। CV बनाने के बाद आपको यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी दी गई है इसे इस ईमेल पर ही आप लोगों को सेंड कर देना है। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 10 दिसंबर 2023 का डेट रखा गया है, तो 10 दिसंबर से पहले आप इसे सबमिट कर लें, ताकि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हों उन्हें यहां पर अपॉइंट किया जा सके। तो अगर आप लोगों को इस रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में वर्क करना है तो आप 10 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। तो गाइज, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।